अस्सलाम वालेकुम नाजिन, हामिद मीर ने पहले ही कह दिया था कि अगर पीटीए के वोटर सपोर्टर्स भारी तादाद में घरों से बाहर निकले तो फिर जो सहाफी तज्जिए दे रहे हैं उनके तज्जिए धरे के धरे रह जाएंगे। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये तज्जिया बाय इलाज गलत साबित हुआ है कि इंडिपेंडेंट 30-40-50-60 जीतेंगे तहरीक इंसाफ के, यही था ना, मैंने कल कहा था 60-65 जीतेंगे, कोई 30-40 कह रहा था। तो जहाँ ये तज़िया गलत साबित हुआ है, मेरे ख्याल से अब ये चीज़ भी बदल जाएगी कि इंडिपेंडेंट जो है वो पैसों की वजह से किसी और पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि दे आर इन ह्यूज नंबर। मेरे ख्याल से उनके पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो यही होगा, कोई ऐसी पार्टी जिसकी एक आध सीट है उसमें वो शमूलियत इख्तियार करें, और उस पार्टी को ऑब्वियसली जब 100 लोग मिलेंगे तो उन्हीं की सीट होगी जिनके 100 लोग होंगे। मैं आपकी बात को इस तरह आगे बढ़ाता हूँ, मैं अब्दुल्ला साहब आपसे इतफाक करता हूँ और शहजाद साहब से भी इतफाक करता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो इंडिपेंडेंट आए हैं इनको बकाव माल ना समझा जाए, इनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, और इनको ये चाहिए कि ये जो भी इनके नज़रियात से कुछ करीब पार्टियां हैं उनके साथ मिलके एक स्टेबल हुकूमत बनाएं, क्योंकि स्टेबल हुकूमत जो है वो इस वक्त आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक रिक्वायरमेंट है। आपने इंटरनेशनल बहुत से इदारों के साथ कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं, उनको भी पूरा करना है, तो इसलिए बकाऊ माल इनको ना समझा जाए और हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी ना सजाई जाए। अगर आप सजाएंगे तो नाकाम हो जाएंगे, जिस तरह आज का जो इलेक्शन रिजल्ट है इसने बहुत से तजिए साबित किए कि वो गलत थे। यानी कि बेहतर होगा कि बजाय इसके के या पीपल्स पार्टी या नून लीग कोशिश करे कि इंडिपेंडेंट्स को, बेहतर है कि ये जिस पार्टी में शामिल होना चाहे इन्हें होने दिया जाए और उसके बाद इनके साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। बेशक बिलावल भुट्टो दरदारी साहब जो कहते थे प्रिवेल करेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने और मैंने अपनी बात कह दी, अब अगर किसी और को समझ आ रही है तो नहीं आ रही तो इसमें हमारा कसूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आज पीटीआई के वोटर सपोर्टर जितनी भारी तादाद में घरों से बाहर निकले और जो रिजल्ट इस वक्त सामने आ रहे हैं उससे पीटीआई जीतती हुई दिखाई दे रही है। नाजन, इसके बावजूद के मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, सुबह से सिम सर्विस और इंटरनेट सर्विस भी बंद की गई है। मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि इन्होंने धांधली करनी है और धांधली करने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। नाजन, रात के 12 बजे तक अभी तक सिम सर्विस बहाल नहीं की गई। हामिद मीर ने यह इंकशाफ पहले ही कर दिया था कि अगर पीटीआई के वोटर सपोर्टर बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलेंगे तो नून लीग और इनके सहूलतकारों को लग पता जाएगा, इसीलिए सब अपने घरों से निकले और वोट का हक इस्तेमाल करते हुए अपने वोट की हिफाजत भी करें। अब पीटीआई की वोटर सपोर्टर इतनी बड़ी तादाद में अपने घरों से निकले हैं कि नून लीग और इनके सहूलतकारों की दौड़े लग चुकी हैं। इसी वजह से अब ये रिस्क है कि ये नतायज में हेराफेरी करने की कोशिश करेंगे और नतायज बदल कर नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पीटीआई इस मसले को भी हल कर लेगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।